बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। लाखनीवन क्षेत्र के रामपुरी सहवन क्षेत्र में एक कृषि शेड में 2 पूर्ण विकसित नर भालू मृत पाए गए। वन विभाग ने प्रारंभिक अनुमान जताया है कि भालुओं की मौत करंट लगने से हुई है। संभवतः जांच के बाद इसमें दोषी पाए जाने वाले किसान पर कार्रवाई की जाएगी। गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में पान गांव के पास श्रद्धालुओं की एक अनियंत्रित कार नहर में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 3 श्रद्धालु घायल हो गए। मृत व्यक्तियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य के सतना निवासी जितेंद्र विमल लाल जैन उम्र 52 वर्ष, प्रशांत नरेंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, आशीष अशोक जैन उम्र 43 वर्ष बताया गया है। पुलिस ने सड़क पर आड़े तिरछे वाहन रखने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की है। जिन लोगों पर कार्रवाई की गई उसमें देसाईगंज निवासी छगन धनीलाल बुल्ले, सरांडी निवासी दूलीचंद गुलाब प्रधान का समावेश है। बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने वाली एक महिला को उसके पति ने शक के आधार पर डंडे से पीटा। यह घटना मोहाड़ी में हुई। आरोपी पति का नाम डिगेश ज्ञानीराम भूरे उम्र 40 वर्ष है। शिकायत के आधार पर मोहाड़ी पुलिस ने डिगेश भूरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीण थाने के तहत आसोली निवासी फिरियादी सुशील कुमार श्यामलाल मेशराम उम्र 45 वर्ष अपने साइकिल से पाटिल टोला जा रहा था। इस दौरान 2 अज्ञात आरोपियों ने उसके साइकिल के थैले में रखा 5,000 रुपए का मोबाइल उड़ा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तहसील के घटे गांव में मधुमक्खियों के हमले में 2 व्यक्ति घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले में घटे गांव के सेवानिवृत्त वन क्षेत्र अधिकारी धनराज वैद्य उम्र 70 वर्ष और खोरशिवनी के पोस्ट मास्टर हीरालाल कोसलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आमगांव थाने के तहत देवरी रोड आमगांव निवासी फिरियादी संदीप कांता प्रसाद मिश्रा उम्र 42 वर्ष ने अपनी मोटरसाइकिल घर के आगे रखा था, जहां से अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए बताई गई है। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।